40 साल इस फुट पर कब्जा करके माशाल्लाह लगा के रखा है, माशाल्लाह लगा के आवाम को और पाकिस्तान को लड़ा आकर जिस बुरे से रसवाई में धकेला है, मैं कितना मानूंगा इस समान से और पाकिस्तान को। बाकी की बातें करते हैं, बाकी किस लिए मांगे और किससे मांगे तुम्हारे से? हमने तो कभी कायदे आजम सुना भी नहीं था। कायदे आजम आरोप मैं खुद गवर्नर रहा हूं, मैं सैनिटर रहा हूं, मैं भारतीय वजीर रहा हूं, मैं जनरल पाकिस्तान रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि जिन हाउस भी वो अभ्यस्त करता है। और भाई उसमें भी कब्जा कर लिया हुआ है आपने, उसमें भी कब्जा किया हुआ है। अगर भारतीय जिला हाउस है तो फिर फोर्स कमांडर ने कब्जा कर लिया है उस पर भी। कानून वर्षे कभी आपने उस पर अपनी सब्जिकेशन करके अपनी रोजगार बना लिया, अपना घर बना लिया। बाकी चीजें क्या की गई है मैं इसलिए दोहराना नहीं चाहता ना आपके दरमियान बाकी दे। लेकिन आज जो तशद मैं बहुत सची रहा हूं, आज जो तशद किया गया है वकला पर फलन को चला गया है इंतजार था लाहौर में, वो हाईकोर्ट में आना चाहते थे, आपको गुजरा है अपना कराची हॉल में आना चाहते थे, बाहर में आना चाहते थे इंतजार खुला। और इस कदर आंसू गैस किया गया, इस कदर लाठी चार्ज की गई, इस कदर तशद किया गया कि सारा गंदर बाहर जो है फैला हुआ था और 100-150 के करीब जो है रुकला को गिरफ्तार किया गया है। इस जमीन की बात करते ये पंजाब में तकनी शेख बना दी गई है और ये इसलिए खौफ लगाया गया ताकि कल जो है पाकिस्तान कहने के इंसाफ का पूरा इंतजार सिर्फ माने रखा जाए और एक ऐसा सुन दिया जाए देखिए कोई भी नहीं निकला इसमें तो इंतजार हुआ ही नहीं है। ज्यादा हम लोग कह रहे थे हमारा बयानिया सही है, पहले सिर्फ को जब करें आई उनकी बिल्कुल पाकिस्तानी कमी रह सकती है जब अपने आप को ये सर्विस समझ के और आईन में ये दिए हुए अवाम के इकतदार को तस्लीम करें। उसको भी शर्म नहीं आती जो कहता था बार बार बड़े बबानी ढोल कहता था मुझ को इज्जत दो। ओ भाई अब तू शर्म भी नहीं आती है तुम्हें ये कहते हुए उस बयान वोट को इज्जत अब किए गई तुम्हारी वोट की इज्जत। मुझे सर उसने खालिदा खान रफीक ने मुबारक दी कि अपनी शिकायत को तस्लीम करके मुझे जीतने की कि मुझे पाकिस्तान लाहौर लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मेरा हल्का लाहौर का दिल है। तो उसने जब मुझे मुबारक दी मैंने कहा काश यही इलाकी दर्ज तू अपने बड़ों को भी दे देता। नवाज शरीफ अगर डॉक्टर यास्मीन से हार गया था तो अगर मैं ये तस्लीम कर देता तो उसके कंट्रोल में जाम होता और अच्छी रवायत बनती। अगर शहबाज शरीफ भागा है लाहौर से क्योंकि मुझे पता है कि लाहौर से एक सी मुस्लिम लीग उन्होंने जीती है जो कहते थे हमारा हमारा गढ़ है और शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ को जो कहता था कोई हया होती है कोई शर्म होती है अब उसको ये मैं उसके अनुसार बताता हूं कि भाई तुम डाल से हारे हुए इतनी बुरी तरह से हारे हुए और तुम आज मुफाती वजीर बने बैठे हो और उस बैठियों को पहले निकालने तो सही। अगर हमारे साथ बात करते हैं पहले हमारे अवाम के इकतदार को तस्लीम तो करें, रियासत की तारीफ पर अमल तो करें, रियासत की इदारों को जो है उनके मुक्तदर होने का जो एहसास आईन ने दिया है वो पहले बहाल तो करो और फिर बात करो हमारे से। बचाना आईन में हर चीज लिखी है काम पर धन हमने कोई मशरकी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा और उसमें भी यही चीजें दोहराई गई। हमने मैंडेट अवाम का मानने से इनकार कर दिया, हमने धुटका दिया जिसको 160 जो है सीटें मिली थी और हमने जो है वहां मुसलत किया जबरी और उसका नतीजा हमने देख लिया। काकम पर धन मत बढ़ाइए वही मेरा शासाना आप उसी को गलती को दोहरा रहे हैं, आप अवाम को फिर धुकार रहे हैं, अवाम की गलो गलत से डरो और हमें मत डराओ। जिसका कहा गया मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया, मेरे बेटे को गोलियां मारी गई, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, तुम और क्या कर सकते हो? गोली मार सकते हो ना, मान दो ये अल्लाह के हाथ में है और जान ये अल्लाह के हाथ में है, तुमने भी एक दिन अल्लाह पर जान देनी है। धरती मां पर रन करो टच करो इसको उजाड़ के रख दिया है। नोच नोच के लुटेरों ने डाकुओं ने सड़े महल बनाए हैं और उसके बाद पार्क न्यूज बनाए हैं और बंद हाई पार्क पैलेस बनाई है जिसको जो है 50 अरब में बेचा गया है। तो शर्म भी तो नहीं आती है फिर भी तो बांगे तो कहते हो कि हमने धमकी नहीं खाई है।
और वो सारे केसेस जो है जो आपने फैक्सर करवा के साफ करवा के दूध के डुबे हुए लोग एक एक का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है क्योंकि मैं उस कमेटी को हैंड कर रहा था और एक एक केस में इल्जाम सच्चा है और वो बेचारा अर्षद सिंह अपनी जान दे के अगर भी हमारे साथ होता था उसके पास भी इतना पूरा इनका सच्चा टीका मौजूद होता था तुमने उसे मार दिया है मारा और भी जितने मारना चाहते हो लेकिन धरती मां से जो प्यार करता है वो तुम्हारे खौफ से नहीं डरेगा। आज मैं इमरान खान को फराज तहसीन पेश करता हूं उसने कहा न मैं डी करूंगा न मैं इन चोरों के उम्मीदवार वो छोड़कर भागूंगा। मेरा मरना जीना इसी धरती में मुझे भले ये सारे पाकिस्तान की जेल में चला ले मैं अवाम को हकीकी आजादी दिला के रहूंगा और यही एक अमल है जिससे इंशाल्लाह हकीकी आजादी मिलेगी। और मैं सराज तहसीन पेश करता हूं यहां जो कालीन बैठे हैं जिन्होंने ये अलग उठाया है आज इनके तहसुब में पाकिस्तान का वकार पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वजूद है। पाकिस्तान का निर्माण करानी है कदम के लिए आपने बहुत से राजू मतलब मजाक और उनकी इशारात सुने बात बिना किसी तशहीद के जिस तरह उमर यूब साहब ने कहा रियासत की बड़ी खूबसूरत तारीफ जो कर दी है वो आइन ने मुकद्दर किया है पाकिस्तान के अवाम पे। आइन ने अगर रियासत है अगर कोई इदारा है तो वो एक ही है और जो आवाम पर मुहिम है बाकी सब सर्विसेज है जो पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई की टैक्स से जिनको तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाहदार मुलाजिम है रियासत के और रियासत पर अवाम है। और आर्टिकल 5 बड़ा वाजे तौर पर कहता है कि जो है लॉयल्टी टू द स्टेट यानी वफादारी अवाम के साथ होगी रियासत अवाम है सिर्फ। मैं हैरान रहता हूं रियासत की बात करते हैं वो मुक्तदर हल्का जो है वो खराई मखलूक रियासत बन चुकी है यानी मुबाशरत ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। खुदा का खौफ करो भाई आप मुलाजिम हो आप अदारा भी नहीं हो अदारा भी नहीं है और मुलाजिम जो है वो जो यानी मालिक है वो उस पर अहमियत कर रहा है ये भी अजीब बात है। और वफादारी जब आईन की है ताबेदारी आईन की है और कानून की है आर्टिकल 5 में और वफादारी रियासत की है अवाम के लिए हर एक पर लाजम और वाजिब है चाहे वो आदमी चीफ है चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है चाहे वो सदर पाकिस्तान है चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी है उस पर वाजिब है लाजिम है। तो फिर आप देखिएगा कि आपने तो ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है इसकी हैसियत बदल के और बिगाड़ के रख दी है। कल की एक मजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माशाल्लाह है कि डीजी जो है एसपीआर ने ऐसा इलाका करके दिखाया कि हम गुलाम हैं और यही बात जो है बार बार इमरान खान कहता है कि मैं गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ के रखूंगा और उस इदारे को जिसको अजलिया कहते हैं जिसको जुडिशरी कहते हैं उसको इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। ये इन 6 जजेज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेज ने और अब सारे पाकिस्तान की अदालतों ने हाईकोर्टों में सभी ने कह दिया कि जी हम अंडर स्ट्रेस है अंडर प्रेशर है हमारे ऊपर जो है फ्री इंसाफ हम उस अंदाज से नहीं कर पा रहे और इससे वाले हो गया और ये जो हेयरिंग हो रही है आप देख रहे हैं जो अजहर बिन अल्लाह साहब की जो कॉमेंट्स और ऑब्जर्वेशन आते हैं उन्होंने कहा इससे ज्यादा ये तो आपने यानी आईन की जो है एब्रोगेशन करके रख दी है इसके मुतलाद है क्योंकि आईन के 3 सतून है एक सतून को आपने पाबंदी कर दिया हुआ है। आप हम तो यही कहते थे हमारा मौका बिल्कुल सही था हम जेल में बार बार जब कहते थे सुबह से शाम तक जो है इमरान खान का ट्रायल चलता था वो साफ कहता था कि आप ऐसे ही कर रहे हैं फैसला तो कहीं और दूसरे जाके इन्होंने डिक्टेशन लेनी है और ये साबित हो गया कि ये डिक्टेशन जो है लेकर उनको 3 केसेस में 1 ही हफ्ते में सजा कर दी गई तो ये उसके बाद भी उनको जेल में रखना एक दिन भी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमें उस पर ललकारने के मुताबिक हम इस जल्द को भी मुस्तरद करते हैं
9 मई का जो बयानवे दिया गया है जिसका बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छी बातें की शामी साहब ने, लेकिन शामी साहब से मैं पूछता हूं कि जनाब आप मुफावत की बात करते हैं, मुफावत किससे? मुलाजिम से, मुलाजिम से मुफावत करती जाती है।